नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विवि से अगले साल जुड़ेंगे 2 दर्जन नए कॉलेज। बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 से 30 अप्रैल तक। छपरा शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट। गिल और पुजारा का शतक, भारत को जीत के लिए चाहिए 10 विकेट। घर बैठे ऐसे पता करें आपका राशन कार्ड बना है या नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिडबी ने 100 रिक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के कुल मिलाकर 100 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को पीजी इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, LLB, BE, BTech इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CA, CS, CWA, CFA, CMA, PhD डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sidbi.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजा विशाल का गढ़ इस वजह से है बेहद खास। वैशाली में राजा विशाल का गढ़ एक जबरदस्त पहाड़ी है जिसमें एक मंच पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पहाड़ी के किनारों पर टावर बने हुए हैं और एक नहर से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी का विशाल चरण राजा विशाल की संसद थी। इसमें 1 किलोमीटर और डिवाइडर की रूपरेखा है जो 2 मीटर ऊंची है। यहाँ 43 मीटर चौड़ा चैनल भी है। यह जगह एक बार में 7,000 लोगों की कुल आबादी को समायोजित कर सकती है। राजा विशाल का गढ़ के पास एक कोरोनेशन टैंक भी है और इस टैंक के पानी का इस्तेमाल राजा विशाल के समय के दौरान चुनिंदा प्रतिनिधियों के आशीर्वाद देने के लिए किया जाता था। बिहार नगर निकाय चुनाव 3 बार वोट डालेंगे मतदाता। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं बीते दिन कल से इसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार में भी रोक लगा दिया गया है। बता दें कि इस चुनाव के पहले चरण में राज्य की 156 नगर निकायों में 18 दिसंबर को मतदान होना है जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार मतदाता नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद पदों के मिलाकर 3 बार वोट डाल सकेंगे। वहीं इन तीनों पदों के लिए 1-1 EVM मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट रखे जाएंगे। बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 से 30 अप्रैल तक। बिहार में होने वाले जाति आधारित जनगणना के लिए दूसरे चरण के गणना की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होगी जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। इस गणना के दौरान उन व्यक्तियों की भी गिनती की जाएगी जो फिलहाल दूसरे राज्य में रहते हैं। ऐसे लोगों के नाम के साथ उनके राज्य के भी नाम को सूची में दर्ज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले चरण में 7 से 21 जनवरी के बीच मकान की नंबरिंग के साथ घर के सदस्यों का नाम दर्ज किया जाएगा और इसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि दूसरे चरण में होने वाली गणना के दौरान तैयार सूची में किसी की कोई दिक्कत ना हो। भ्रष्टाचार पर लगाम, रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार हुए नालंदा में बिजली विभाग के JE। बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग के द्वारा बिहार के नालंदा जिले से छापेमारी कर 1 JE को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना निवासी दीपक कुमार जो ठेकेदारी का काम करते हैं उनसे बिहार शरीफ विद्युत कार्यालय से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर वसीम अख्तर के द्वारा LT लाइन एक्सटेंशन करवाने के लिए पोल गड़ाने को 12,000 की राशि घूस के रूप में मांग की गई थी। इसी के दौरान घूस लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा वसीम अख्तर को रंगे हाथों पकड़ा गया। छपरा शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा बिहार सरकार को नोटिस भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि छपरा के शराब से मौत के मामले में अब तक की गई हर एक कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराई जाए। इसके साथ ही अब तक अस्पताल में इन मामलों से जुड़े कितने लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कितने मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, अगर पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की मुआवजा दी गई है, ऐसे सभी रिपोर्ट्स को मांग मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा यह नोटिस मुख्य सचिव और बिहार DC को भेजा गया है। बिहार विवि से अगले साल जुड़ेंगे 2 दर्जन नए कॉलेज।
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए आवेदन किए गए कॉलेजों को सरकार की ओर से मान्यता दी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कुल 2 दर्जन कॉलेजों के द्वारा पोर्टल पर आवेदन दिया गया था। वहीं इन कॉलेजों के मिल जाने से अगले सत्र में कुल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 135 हो जाएंगी। 20 दिसंबर को विश्वविद्यालय में होने वाले एफिलिएशन कमेटी की बैठक से पूर्व पोर्टल पर आवेदन करने वाले सभी कॉलेजों की जांच पूरी करनी है। वहीं इन कॉलेजों को स्वीकृति देने के लिए 15 जनवरी तक सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशील कुमार की। बिहार के गरीब परिवार से आने वाले सुशील ने जब 5वें सीजन में 5 करोड़ की बड़ी रकम जीती थी। इस रकम को जीतने के बाद वो काफी फेमस हो गए और इस कारण उन्हें रियलिटी शो में भी जगह मिली। केबीसी में जीते हुए रुपयों को उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सुशील कुमार की बिहार में दुकानें हैं और दिल्ली में उनकी कुछ गाड़ियां चलती है, साथ ही वो लिखते भी है। एक प्रोडक्शन हाउस को वो कहानी पसंद आई और उस कहानी की स्क्रिप्ट पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 2011 में केबीसी में भाग लिया था। जिस समय वे केबीसी का हिस्सा बने थे उस समय उनकी सैलरी मात्र 6,000 रुपए थी। केबीसी जीतने के बाद उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। घर बैठे ऐसे पता करें आपका राशन कार्ड बना है या नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पता लगा सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पर खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट nfsa.government.in पर जाना होगा। होम पेज खुलते साथ आपको मेन्यू ऑप्शन में मौजूद राशन कार्ड के ऑप्शन को चुन लेना होगा, जिसके बाद आपको राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल ऑप्शन को चुन लेना होगा। इसके बाद आपको सामने सभी राज्यों की सूची दिखाई देगी, जिसमें से आपको अपने राज्य का चयन करना होगा और फिर जिलों की सूची में से अपने जिले का चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा, जहां आपको आपके एरिया में मौजूद राशन कार्ड की दुकानें दिखाई देंगी, जहां से आपको अपने राशन कार्ड के दुकान का चयन करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपको राशन कार्ड धारकों की जानकारी दी गई होगी। इस सूची में आपको कार्ड धारकों के नाम, उसके पिता पति का नाम और पता दिखाई देगा। स्टार्टअप शुरू करने के लिए महज 100 रुपए प्रतिदिन पर पाए जगह। बिहार में युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से कई कोशिशें की जा रही है। इन्हीं कोशिशों में बिहार उद्योग विभाग के द्वारा बेहद आकर्षक लोकेशन पर आधारभूत संरचना विकसित की गई है, जहां स्टार्टअप करने वाले महज 100 रुपए प्रतिदिन पर जगह पा सकते हैं। इस बात की जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टार्टअप के लिए यह संरचना मौर्य लोक और फ्रेजर रोड पटना में तैयार की गई है, जहां 23 जनवरी 2023 से काम की शुरुआत भी कर दी जाएगी। वहीं वैसे लोग जो इस जगह को पाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर तक ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 2 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव होने का पूर्वानुमान। बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दिन में धूप खिली और वातावरण में पछुआ का प्रभाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी मानना है कि पिछले दिसंबर की तुलना में इस बार ठंड ने थोड़ी देर से दस्तक देना शुरू किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह के सोमवार से कनकनी बढ़ जाएगी, जिसका असर रविवार से ही शुरू हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों वाले जगहों पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने होने की साथ तापमान में क्रमिक गिरावट होगी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को लिया निशाने पर। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक कुल 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं नीतीश कुमार के द्वारा अब इस पर बयान जारी कर एक बार फिर कहा गया है कि जो शराब पिएगा वह मरेगा। शराब पीने से जिन लोगों की मौत होती है उन्हें सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी धर्म में शराब पीने को ठीक नहीं माना जाता है। वहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मांग कर रही है कि छपरा में जिन लोगों की भी शराब पीने से मौतें हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर ले कि शराब खूब पिए। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि क्या शराबबंदी हटा दी जाए, तो खूब कहिए कि शराब पिए। प्रत्येक मंगलवार हो रही फाइलेरिया रोगियों की जांच पटना के स्वास्थ्य संस्थानों में। फाइलेरिया मरीजों की जांच जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हर मंगलवार को की जाएगी, इस बात की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर कमल किशोर राय ने दी। पटना के सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अधीक्षक को जारी पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि वे सभी अपने अपने केंद्रों पर फाइलेरिया रोगियों के जांच को सुनिश्चित कर ले। ऐसे में मरीजों की जांच से फाइलेरिया संक्रमण का पता समय रहते लग जाएगा और मरीजों को जरूरी सलाह आसानी से दी जा सकेगी।
मुंगेर व जमुई के DMSP सहित 1.5 दर्जन अधिकारियों को किया गया सम्मानित। बीते दिन शुक्रवार को CRPF के DG डेस्क के द्वारा मुंगेर व जमुई जिला को नक्सल मुक्त कराने के लिए बेहतर काम करने वाले मुंगेर तथा जमुई के जिलाधिकारी व SP सहित 1.5 दर्जन अधिकारियों को मल्लायपुर स्थित पुलिस लाइन में समारोह आयोजित कर पुरस्कृत तथा सम्मानित किया गया। बता दें कि झारखंड से सटे होने के कारण और तीनों ओर से जंगलों से घिरे होने के कारण इन दोनों जिलों में नक्सलियों की संख्या काफी अधिक रहती है, जिसके बाद जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई ऑपरेशन चलाए गए और नक्सल मुक्त कराने की कोशिश की गई। बिहार कैडर के 9 IAS अधिकारियों का हुआ प्रोन्नति। बिहार कैडर के 9 IAS अधिकारियों की प्रोन्नति हुई है। बता दें कि जिन IAS अधिकारियों की पदोन्नति हुई है ये 2010 बैच के अधिकारी हैं। इन सभी अधिकारियों का वेतनमान 13 में प्रमोशन दिया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से प्रोन्नति मिलेगी। जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है उसमें दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, ICDS के निदेशक कौशल किशोर, पर्यटन विकास निगम के MD कंवल तनुज, पटना के DM चंद्रशेखर सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव रचना पाटिल, जमुई के DM अविनाश कुमार सिंह, पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पड़ासर, भोजपुर के DM राजकुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अपर सचिव हिमांशु कुमार राय का नाम शामिल है। भोजपुर के एक अनाथ बच्चे को इटली के दंपति ने लिया गोद। जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान के मुताबिक यह पहला मौका है जब किसी विदेश नागरिक के भारत के बिहार राज्य के आरा के किसी 3 वर्षीय बच्चे को गोद लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोद लेने वाले विदेशी इटली के एक कपल है जिनका नाम फोरेना डोगो और बेड्रो लुसियाना है। इन दोनों के द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया चले कि यह बच्चा पटना का एक विकलांग था जिसका अमेरिका में सर्जरी कराया जाएगा। बच्चों को विदेश दंपति के गोद में सौंपने के दौरान भोजपुर जिला पदाधिकारी राजकुमार, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक विनोद कुमार ठाकुर, बाल संरक्षण पदाधिकारी अभिमन्यु समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर माले विधायकों का प्रदर्शन। बीते दिन बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन माले के विधायकों के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इन विधायकों के द्वारा छपरा में हुए जहरीली शराब से मौत मामले में परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। इन सभी मांगों के साथ माले के सदस्यों के द्वारा गरीब को मुफ्त में बिजली देने की भी मांग की गई है। हालांकि अब तक इनके द्वारा किए गए इस मांग को कब तक पूरा किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसान सम्मान निधि के 3,443 करोड़ के लाभ से वंचित किसान, कैग की रिपोर्ट ने किया खुलासा। बिहार के 71,45,065 लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3,443.55 करोड़ रुपए का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कैग की रिपोर्ट सामने आई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बिहार विधानमंडल के नजदीक पेश किया गया। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट में सामने आया है कि 31 मार्च 2021 के समाप्ति वर्ष में बिहार के किसान 3,443.55 करोड़ रुपए के लाभ से वंचित रहे। नेता प्रतिपक्ष बोले, दारू बालू नीतीश सरकार का मुख्य एजेंडा। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा सहित बिहार भाजपा के अन्य नेताओं के द्वारा राज्यपाल भवन तक विरोध मार्च निकाला गया और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का इस मामले को लेकर कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और साथ ही मरने वालों के सही आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार का मुख्य एजेंडा बस दारू बालू और भ्रष्टाचार है। हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि यदि आवश्यक हो तो सरकार को बर्खास्त किया जाए। शराब से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, भाई वीरेंद्र। बिहार विधानसभा में बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जमकर हंगामा किया गया। इसी को लेकर अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जब BJP NDA में थी तो हम लोगों का कार्य स्थगन नियम 53 के तहत स्वीकृति नहीं करती थी और आज जब BJP NDA के साथ नहीं है तो हंगामा कर रही है। हालांकि विपक्ष का काम ही यही होता है कि वह हंगामा करे, लेकिन अब शराब माफियाओं पर लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर कोई वैसे अधिकारी जो इस तरह के मामलों से जुड़े होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा।
बिहार में पठान पर हुआ मुकदमा दर्ज। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का गाना रिलीज होने के बाद यह फिल्म काफी चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि अब इस फिल्म के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर ओझा के द्वारा परिवाद दायर किया गया है। वहीं इस फिल्म को लेकर मामले की अगली सुनवाई करने की तारीख 3 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। बताते चले कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट की मांग की जा रही है। वहीं अब दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर कोर्ट में परिवारवाद दायर कर दी गई है। एक और यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इस बार उनकी कोशिश यही होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में अपनी जमीन को मजबूती की जा सके। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बिहार के इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे और साथ ही घूम घूम कर लोगों को शराबबंदी के फायदे के बारे में बताएंगे और लोगों से शराबबंदी को लेकर उनका फीडबैक भी जानेंगे। हालांकि नीतीश के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल मुख्यमंत्री के इस यात्रा को लेकर योजना बनाई जा रही है और अभी यात्रा को अंतिम रूप देना बाकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को भारत ने बताया असभ्य। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री जरूर 1971 के दिन को भूल गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो टिप्पणी दी है वह पाकिस्तान के लिए भी नीच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1971 में ही बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान की हरकतों और मंसूबों को दुनिया देख चुकी है। ये लंबे समय से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देता। गिल और पुजारा का शतक, भारत को जीत के लिए चाहिए 10 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 513 रनों का लक्ष्य दिया है। चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में भारत ने अपनी दूसरी पारी 258 के स्कोर पर घोषित कर दी। इस दौरान सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और टीम के उपकप्तान चतेश्वर पुजारा दोनों ने शतक पूरा किया। 513 रनों के जवाब में बांग्लादेश की टीम दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 42 रन बना चुकी है और अब उनको जीत के लिए 471 रन और बनाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को जीत के लिए 10 विकेटों की दरकार है। उम्मीद है चौथे दिन ही मैच का फैसला हो जाएगा। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की पहली पारी 150 रनों पर ही समेट दी थी। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में उड़ीसा पर कब्जा किया। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सपना साकार हुआ और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की 1913 में स्थापना हुई। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में उन पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी। भारत के दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने 1933 में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुख्यालयों में हॉटलाइन पुनः शुरू। नेशनलिस्ट सर्व भाषा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म 1556 में हुआ। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश वे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म 1972 में हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुंजन प्रकाश गुप्ता, रंजीत मिश्रा, मुटु रंगीला, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, धर्मवीर भक्ता, मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, रविन्द्र पासवान, राम नरेश कुमार, संजीत कुमार सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, राम शंकर सिंह, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।